हे गाइस, हम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग इंस्पायरिंग चैनल। गाइस, स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं डेली करंट अफेयर्स का हमारा एक न्यू क्लास, एक न्यू सेशन। 13th of August यानी कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके करंट अफेयर्स के रूप में आपके एग्ज़ाम में बन सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इसके लिए मैं काफ़ी एफर्ट्स लगाती हूँ गाइज़। आप लोगों के लिए मैं अलग अलग वेबसाइट से सारे न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं उसका एक पूरा एक छोटा सा सेशन बनाती हूँ। इसका इस सेशन को करने का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को लंबे लंबे करंट अफेयर्स ना देखने पड़े, ज़्यादा लंबे वीडियोस ना देखने पड़े, आपका छोटे में ही काम हो जाए। तो गाइज़, ये जो मेरा वीडियो रहता है ये 7 to 10 मिनट्स का मेरा मेन मोटिव रहता है कि इसमें कंप्लीट हो जाए और इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं वो कंप्लीट कवर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी, फर्स्ट करंट अफेयर्स क्या है? तो गाइज़, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना? तो गाइज़, जुलाई मंथ की बात हो रही है, कौन बना? साकिब अल हसन। आपको पता होना चाहिए ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ साकिब अल हसन, एंड वेमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर लूँ तो स्टाफेनी टेलर। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट क्या है, इंदौर डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। इंदौर को डिक्लेयर किया गया है इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। ओके, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगी गाइस कि करंट अफेयर्स को अगर आप लोगों को अच्छे से कवर करना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि बेस्ट करंट अफेयर्स का लिंक है आप लोगों का, अफेयर्स क्लाउड का। परचेज कर लीजिए, BAC10 कोड है, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। पढ़ के देखो, आप लोगों को रियली में लगेगा कि यस, एग्ज़ाम में वैसा आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, RBL बैंक है सेलेक्टेड अमेजन वेब सर्विस एज इट्स प्रिफर्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। RBL बैंक ने सेलेक्ट किया है अमेजन वेब सर्विसेज को, AWS जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, 130th एडिशन ऑफ डूरेंट कप 2021 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट कोलकाता फ्रॉम 5 सितंबर से लेके गई 3 अक्टूबर तक की ये बात हुई हुई है कि आपका 5 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक रहने वाला है क्या 130th एडिशन। आपको एडिशन सबसे पहले पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में बनेगा क्वेश्चन वो एडिशन पे भी बन जाता है। आप लोगों से मैं जो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो क्वेश्चन क्या है आपको कमेंट में करके बताना है कि डूरेंट कप हमारा किस खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, शेड्यूल कब कहाँ किया जा रहा है, कोलकाता में, कब से कब तक, 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इनॉग्रेट किया है क्या द 2-day-long 7th IBSA। IBSA में कौन कौन से आपकी कंट्रीज आती हैं, तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका अकेडमिक फोरम। किसने इनॉग्रेट किया है, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, और ये कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लूँ क्वाड कंट्री नेवीज, क्वाड कंट्री, अब क्वाड का मतलब होता है कोई फोर, कोई चार। अब क्वाड में जो चार कंट्रीज आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी कंडक्टिंग द एनुअल मालाबार नावल एक्सरसाइज। गाइज, ये जो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज होती है उसका नेम है मालाबार नावल एक्सरसाइज। अब ये कहाँ, फ्रॉम अगस्त 21 ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है आपकी, गुआम में 21 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, ये अच्छी न्यूज़ लगी मुझे, ICC टू पुश फॉर क्रिकेट्स इंक्लूजन इन ओलंपिक्स 2028। ओलंपिक्स जो 2028 में होने वाला है ICC ने पुश किया है, बोला है, कहा है कि क्रिकेट को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइज आपकी, असम्स काजीरंगा बिकम फर्स्ट इंटरनेशनल पार्क इन इंडिया विद सैटेलाइट फोन। असम का काजीरंगा जो है पहला ऐसा नेशनल पार्क बना जो है सैटेलाइट फोन्स के साथ मिलकर काम करने वाला है। तो असम का काजीरंगा, आपको पता होना चाहिए काजीरंगा पूछा जा सकता है। हमेशा आप लोग पूछते हो मैम स्टैटिक्स पार्ट कैसे करना है, स्टैटिक्स पार्ट का नहीं समझ में आ रहा। तो गाइस, स्टैटिक का मतलब ही यही है कि यहाँ से बन गया आपका स्टैटिक, कि काजीरंगा इसका मतलब असम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, जैसे कि आपका ये बना था राजकुमार रंजन सिंह, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर है। जैसे कि मैंने डूरंड कब पूछा, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब गाइस आप लोगों के स्टैटिक्स के पार्ट बनते हैं, और स्टैटिक्स हमेशा हमेशा मैंने बोला है कि जो आपका करंट अफेयर्स रहता है उससे रिलेटेड रहती है, उसी के अंदर से पूछी जाती है, आपको कहीं अलग से उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट में आपको ज़रूर मुझे एक क्वेश्चन बताना है, एक क्वेश्चन इस पेज से और एक क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपका क्या न्यूज़ कवर हो रही है, जैसे कि ये है जम्मू एंड कश्मीर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा। कौन? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता होना चाहिए कौन है, मनोज सिन्हा। उन्होंने इनॉग्रेट किया है बंगस आवाम मेला एट बंगस वैली। बन गया कि नहीं बन गया आपका एक और स्टैटिक्स, बंगस वैली कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्या इनॉग्रेट हुआ है? बंगस आवाम मेला। देखो यहीं से एक आपका पार्ट कवर हो जा रहा है किसका, स्टैटिक्स का। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13th अगस्त को किया जाता है, यानी कि आज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गन डोनेशन डे कब, 13 अगस्त। नेक्स्ट न्यूज़ की मैं बात कर लूँ, तमिलनाडु CM, गाइस तमिलनाडु के CM है MK Stalin। कौन है तमिलनाडु के CM? MK Stalin। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। तो दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, डूरंड कप एंड आपको तमिलनाडु के गवर्नर मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तमिलनाडु CM MK Stalin ने क्या किया है, लॉन्च किया है मक्कालाई थेड़ी मुरुथुवम। ये क्या है, एक स्कीम है। क्या नेम है? मक्कालाई थेड़ी मुरुथुवम स्कीम टू डिलीवर एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर को, ज़रूरी आपकी हेल्थ केयर को एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, लोगों के घर घर जाके एसेंशियल हेल्थ केयर को डिलीवर करना। कहाँ ये किया गया है? तमिलनाडु में। किसने किया है? वहाँ के CM MK Stalin ने लॉन्च किया है। और उस स्कीम का नाम आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है मक्कालाई थेड़ी मुरुथुवम। ठीक है, मैं भी आप लोगों से पूछूंगी, जैसा कि मैंने आज भी किया था। अनअकैडमी पर मैं क्लास ले रही थी, तो मैंने आप लोगों का करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराया, और आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया। गाइस इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वहाँ पर मैं एक घंटे में बहुत सारी मिसलिनियस चीज़ें आप लोग की कवर करा रही हूँ, और DI एंड पजल में तो जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए तो वो मस्ट अटेंड सेशन रहता है। गाइस आ जाया करो, देखा करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है वो क्लास। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आप मुझे बताएंगे इसके मिनिस्टर कौन है, कौन? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, उनके अनुसार इंडिया का लाइटेस्ट एंड पुणे का फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वॉज रोल्ड आउट इन इटली। जो इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया की सबसे हल्की लाइटेस्ट और पुणे की फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो है इटली में रोल्ड आउट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ आपकी, RBI इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ ऑन कोऑपरेटिव राबो बैंक UA। RBI ने, ये क्वेश्चन गाइस पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। RBI ने क्या किया, इम्पोस्ट किया है, लागू किया है, लगाई है, क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई है राबो बैंक पर, जो कि कोऑपरेटिव बैंक है, 1 करोड़ की। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी आज की सारी करंट अफेयर्स। गाइज अगर आप लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव, मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके आपसे उतना शेयर कीजिए, और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम क्रैक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।